आईसीसी लेगा मिकी आर्थर पर बड़ा एक्शन। आईसीसी लेगा पाकिस्तान के कोच मिकी आर्थर की एक बात पर बड़ा एक्शन। क्या है वो बात जिसको मिकी आर्थर ने बोल दिया है और जो आईसीसी को थोड़ा सा नापसंद आई है, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा पांडे। दरअसल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 14 अक्टूबर 2023 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में करारी टक्कर हम लोगों को देखने को मिली, जिसमें टीम इंडिया ने एक तरफा जीत हासिल कर ली थी। इसके बाद पाकिस्तान की टीम यहाँ रो रही है, वहाँ रो रही है, हर जगह रो रही है, हर जगह अपना दुखड़ा गा रही है। कोई इंडिया को खराब बता रहा है कि हमें ऑडियंस का सपोर्ट नहीं मिला, कोई ये बता रहा है कि भारत में हुआ इसीलिए भारत जीत गया। कुछ ना कुछ पाकिस्तान के, चाहे वो पूर्व क्रिकेटर्स हो या पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम के क्रिकेटर्स हो, पाकिस्तान का करंट मैनेजमेंट हो, वो आए दिन जो है भारत पर इस तरीके का कीचड़ उछाल रहा है कि भारत इसलिए जीता, टैलेंट के माफिक नहीं, टैलेंट के वजह से नहीं बल्कि इस तरीके से जीता। अब आपको बताते हैं कि कोच मिकी आर्थर ने क्या कहा था। दरअसल मिकी आर्थर ने इंडिया पाकिस्तान मैच के बाद कहा था कि हमें ये आईसीसी टूर्नामेंट लगा ही नहीं, हमें ये ऐसे लगा जैसे ये एक बायलेटरल सीरीज हो और इसको बीसीसीआई ऑर्गेनाइज करा रहा हो, क्योंकि मैंने दिल पाकिस्तान नहीं सुना, मैंने बस हिंदुस्तान के नारे, बस हिंदुस्तान का गाना, बस हिंदी गाना सुनाई दिया, कभी मैंने ग्राउंड पर दिल पाकिस्तान नहीं सुना। इस वजह से हमारे लड़कों को मोटिवेशन नहीं मिला और इसी वजह से हम लोग हार गए। तो ये कुछ सिली रीजन दिया था मिकी आर्थर ने। उसके बाद अब जब यही सवाल आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग से पूछा गया तो ग्रेग ने कहा कि देखिए ये नॉर्मल सी बात है, अब जब इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हो तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोग आपकी निंदा भी करेंगे, कुछ लोग आपकी आलोचना भी करेंगे और कुछ लोग आपकी तारीफ भी करेंगे। तो मैं जो आलोचना करते हैं उनको साइड रखता हूँ और मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता, बट हाँ अगर थोड़ी आलोचना हुई है कि लोगों को बुरा लगा है तो डेफिनेटली हम आगे सुधार करेंगे। अभी तो टूर्नामेंट स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो काफ़ी मैचेस होने बाकी हैं, अभी आधा से ज़्यादा टूर्नामेंट बाकी है, तो उन्होंने बोला हम आगे सुधार ज़रूर करेंगे अगर किसी को पहले हमारी गलतियां नज़र आई। तो बड़ी मैच्योरिटी के साथ ग्रेग ने इस पूरे मामले को समझाया है और मिकी आर्थर जैसी इमैच्योरिटी नहीं दिखाई है। अब आप कमेंट्स करके बताइए कि जो मैच्योरिटी ग्रेग ने दिखाई है क्या वो मिकी आर्थर को भी दिखानी चाहिए थी, क्या मिकी आर्थर को इतने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी। कमेंट्स करके अपनी राय मुझे बताइए।